स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने जा रहे हैं 17 सम। अभी 17 सम क्या कह रहा है कि अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, मतलब वॉल पे वो ऐसे लाई कर रहा है, मतलब आपका सीए जो है वो लैडर बना रखा है मैंने। मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब आपका ये हॉरिजॉन्टल बीसी है और इसी से वो लैडर 60 डिग्री बनाया है। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर, मतलब आपका ये 2.5 मीटर है फ्रॉम द वॉल, ठीक है, तो ये आपको 2.5 है। फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, तो आपको एसी निकालना है, बेसिकली आपको एसी निकालना है, बराबर। सो ए बी जो है वो आपका वॉल है, एसी जो है लेंथ ऑफ लैडर है, वही निकालना है आपको। पॉइंट सी इज द फुट ऑफ द लैडर विच इज 2.5 मीटर्स अवे फ्रॉम द वॉल। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, ईजी। Now, in triangle ABC, cos 60 is adjacent upon hypotenuse. Cos 60 is adjacent upon hypotenuse. अभी इसमें होता क्या है कि हमें लैडर का लेंथ चाहिए, तो हाइपोटेनस है वो बेसिकली, इसलिए मुझे tan या cot ऐसा कुछ लगाना नहीं, ऐसा कुछ लगाना है जिससे मुझे हाइपोटेनस मिले, मतलब हाइपोटेनस का यूज हो और एट द सेम टाइम 2.5 मीटर का भी यूज हो। इसीलिए मुझे सबसे बेस्ट cos लगा, cos 60 जो है adjacent upon hypotenuse, cos 60 जो कि हाफ होता है, एडजेसेंट जो कि BC है यहाँ पे और हाइपोटेनस AC है। BC का लेंथ आपको ऑलरेडी 2.5 दिया हुआ है, हाफ इक्वल टू 2.5 अपॉन AC और AC आप अल्टीमेटली 2.5 इंटू टू जो कि 5 आएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लैडर इज हाउ मच, 5 मीटर्स। इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम 18 सम करेंगे। प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।